तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप के बारे में। सिंपल तरीके से आप सीरीज टेस्टिंग लैंप किस प्रकार बनाया जाता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, तो आपको कुछ वेयर लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने 2 मीटर वेयर लिए हैं, एक होल्डर लिए हैं और एक 2 पिन टॉप लिए हैं। दोस्तों, हम तीन इससे हम आपको बताएंगे कि आप टेस्टिंग लैंप कैसे बनाएं और सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आसानी से आप बना सकते हैं, दूसरी वीडियो देखने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तो दोनों वेयर को आपको बराबर करके उसको काट लेना है, जैसे कि हमने जिस तरह दोनों को वेयर को बराबर किए उसी तरह आपको काटना है, ताकि वो छोटा बड़ा ना रहे और आपको आराम से काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों वेयर के काटने के बाद दोनों साइड, एक साइड में हम टॉप जोड़ देंगे, जो कि ये देख सकते हैं इस तरह ये 2 पिन टॉप है। दोस्तों, हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, दोनों में कनेक्ट करेंगे। और वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत होगी और आप फिर नहीं कर पाएंगे तो फिर कमेंट करते हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप कम कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है और पूरा देखिए, आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, तो चलिए हम इसको तो देख सकते हैं, इस तरह हमने एक में कनेक्ट कर चुके हैं और आपको अच्छी तरह से इसको ट्विस्ट करना है ताकि वो फिर खुले ना और इसमें कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, तो देख सकते हैं इस तरह हमने दोनों को टाइट कर देंगे और आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। चलिए, इसके बाद इसको हम फिटिंग करते हैं और आगे फिर किस तरह इसमें हम कनेक्ट करेंगे इसके भी बारे में बताएंगे। और आप कोई भी चीज़ को, पंखा हो, कूलर हो, मोटर हो, कोई भी चीज़ को आप सिंपल तरीके से इससे कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको क्या है कि कम खर्च में ये बन जाता है और आप इसको कहीं भी ले जाने ले आने में आपको कोई तरह की परेशानी भी नहीं होगा। दोस्तों, ये बहुत सरल उपाय है दोस्तों और इससे कोई भी चीज़ को नॉर्मल तरीके से भी चेक कर सकते हैं, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है फिर भी वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए इस तरह इसको हम पूरा कंप्लीट करते हैं पहले, और उसके बाद हम इसमें आपको बताएंगे कि होल्डर को आपको कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह हमने इसको यहाँ तक कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, टोपिन टॉप के कुछ दूरी के बाद उसको हम एक वेयर को कटिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 वेयर है, अब कोई भी वेयर को कनेक्ट कटिंग कर सकते हैं दोस्तों, इसमें माइनस और प्लस उसमें नहीं देखा जाता है। तो चलिए हम कोई भी वेयर को एक साथ इसको कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह हमने इसको कटिंग कर चुके हैं। कटिंग करने के बाद हम दोनों वेयर को इस तरह मोड़ देंगे दोस्तों और होल्डर के अंदर इसको हम डालेंगे। चलिए, इसके अंदर इसको हम डाल देते हैं। देख सकते हैं इस तरह हम इसको क्यों डाल रहे हैं, आप इसमें 2 ही वेयर को जो कटिंग किए वही दोनों डाल सकते हैं। हम इसके साथ इसको भी डाल दिए क्योंकि ये अच्छा दिखेगा और इसमें आपको कोई भी चीज़ को देखने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह हमने इसको दोनों को छील चुके हैं। अब इसके साथ हम दोनों, इसमें 2 पॉइंट हैं होल्डर में और 2 वेयर भी है दोस्तों, तो हम दोनों एक होल्डर के दोनों वेयर पॉइंट पे अलग अलग दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह हमने इसको कनेक्ट कर दिए, इसी तरह हम दो इसके साथ भी कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं, और आपको इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करना है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ 30 से 40 रुपये के अंदर इस तरह आप सीरीज लैंप बना सकते हैं और ये नॉर्मल तरीके हैं दोस्तों, जो कि कुछ भी जानकारी ना हो वो इस तरह का बना सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह हमने इसको बना चुके हैं दोस्तों। इसके बाद आपको इसको हम चेक करके भी दिखाएंगे कि आप कोई भी चीज़ को किस प्रकार चेक करेंगे। तो उसके पहले हम इसमें हमको एक होल्डर लगा बल्ब लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह हमने बल्ब लगा चुके हैं और इसके अंदर हम मेन लाइन को डाल चुके हैं। अब दोनों वायर को हम जब सटाएंगे दोस्तों तो बल्ब जलना चाहिए। तो देख सकते हैं इस तरह, जरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कॉमेंट और